तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आधार कार्ड में पति का नाम किस प्रकार से जोड़ना है। पहले पिताजी का नाम लिखा रहता है, शादी से नहीं हुआ रहता है, उससे पहले शादी होने के बाद पति का नाम चेंज कराया जाता है आधार कार्ड में। तो किस प्रकार से चेंज करना है आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप खुद भी घर बैठे चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही बताने वाले हैं। और हाँ गाइस, आपने अपना सेवा केंद्र सीएससी चैनल में पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आधार कार्ड में अपना पति का नाम जोड़ने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना जरूरी है। यदि ऐड किस प्रकार से करते हैं मोबाइल नंबर लिंक आपके आधार कार्ड में, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप माई आधार कार्ड में जाइए ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ माई आधार कार्ड का वेबसाइट को आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपका आधार नंबर डाल के कैप्चर करके। तो इस प्रकार से मैं लॉगिन कर लिया हूँ माई आधार कार्ड साइट को, और यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस अपडेट, यहीं से होगा। एड्रेस अपडेट के जगह से ही आपका पिताजी के नाम पे पति का नाम लिखाएगा। उसके बाद यहाँ दो ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं अपडेट आधार ऑनलाइन, तो इसी के ऊपर हम लोग को क्लिक करना है। सेकेंड ऑप्शन में जाना है, फर्स्ट वाला में जाना है अपडेट आधार ऑनलाइन। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा यहाँ पे इस प्रकार का। अब नीचे देख सकते हैं प्रोसेड टू अपडेट आधार, इसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज में हम लोग चल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आने के बाद इस प्रकार का ऑप्शन हम लोग का दिखाई देगा। देख सकते हैं नाम चेंज करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए, लिंक चेंज करने के लिए और एड्रेस चेंज करने के लिए। तो एड्रेस चेंज करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे करने वाले हैं पति का नाम चेंज और एड्रेस भी चेंज करने वाले हैं। तो एड्रेस के ऊपर टिक करेंगे और प्रोसेड आधार पे क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं पुराना यहाँ पे उसका पिताजी का नाम और उनका गांव कौन कौन सा था, कौन सा जिला था, पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको हटा के अब हम लोग यहाँ पति का नाम सुधारने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे पति का नाम टाइप करना है, उसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पति का नाम डालेंगे, हाउस नंबर डालेंगे और नीचे और भी कुछ कुछ दिया गया है और हिंदी में ऑटोमेटिक लिखाएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट दिया है, रोड लाइन दिया है, एरिया दिया है, इस प्रकार से जो भी ऑप्शन है इसको आपको भर लेना है। तो सब हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। इस प्रकार का पूरा ऑप्शन आता है पिन कोड डालने के लिए, स्टेट डालने के लिए, जिला डालने के लिए, पूरा चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो जहाँ पे जो डिटेल मांगा जा रहा है वहाँ पे हम लोग वो डिटेल यहाँ पे भर देते हैं। उसके बाद नीचे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट से चेंज कर सकते हैं, एक तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और दूसरा आपका सरपंच प्रस्ताव के द्वारा भी कर सकते हैं। तो सरपंच प्रस्ताव के द्वारा हम लोग यहाँ पे चेंज करने वाले हैं पिताजी के नाम पे पति का नाम। तो इस प्रकार से मैं चूज कर लिया हूँ। तो चलिए गाइज हम लोग पूरा डिटेल भर लेते हैं। तो इस प्रकार से मैं पूरा डिटेल भर चुका हूँ, डब्ल्यू ओ कर दिया हूँ, पति का नाम लिखा हूँ और पूरा डिटेल जो जो था वो भर चुका हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पे सरपंच वाला टिक किया हूँ, यहाँ पे विलेज सरपंच लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। पीडीएफ में मैं डॉक्यूमेंट को बना चुका हूँ, जो फॉर्म मिला था सरपंच का उसको पीडीएफ में बना चुका हूँ भर के। तो इस प्रकार से वो फॉर्म भी हम लोग का अपलोड हो गया। अब नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ देर यहाँ पे अपडेट लेगा, अपडेट लेने के बाद पूरा डिटेल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग का सुधारने के बाद नाम आएगा हिंदी में और इंग्लिश में, यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। यदि कुछ गलती होगा तो आप एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं एडिट पिलसिंग का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे हम लोग टिक मारेंगे, टिक मारने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में फिर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग का पेज इस प्रकार से खुलेगा, यहाँ पे टिक लगाना है और यहाँ पे कोई सा भी पे करना है। तो सेकेंड वाला में दबाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में फिर चल जाता हूँ, यहाँ पे पेमेंट का प्रक्रिया आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 रुपये हम लोग के वॉलेट से कटेगा, या आप फोन पे पेटीएम जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, नेट बैंकिंग सारा चीज़ दिया गया है। वॉलेट में जाते हैं, फोन पे में जाते हैं, प्रोसेड करते हैं, यहाँ पे क्यूआर कोड आएगा। तो क्यूआर कोड को स्कैन करके हम लोग अपना फोन पे अकाउंट को खोल के इसमें 50 रुपये पेमेंट कर देना है। हम लोग का पूरा यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, हम लोग का रिसिप्ट भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपने आधार कार्ड में पति का नाम जोड़ सकते हैं जिनका अभी नया नया शादी हुआ है उनका। तो इस प्रकार से हम लोग का पूरा वीडियो था और इस प्रकार से बनाना था। तो देख सकते हैं सक्सेसफुल हो गया है, रिसिप्ट आप होम पेज में जाके नीचे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको रिसिप्ट भी दिखा देता हूँ किस प्रकार से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू, और यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं रिसिप्ट। तो इस प्रकार से हम लोग रिसिप्ट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं, या अपना है तो अपना हमें इसको सेव करके रख लेंगे, 2-4 दिन में हम लोग का सुधर जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको कस्टमर का है प्रिंट करके कस्टमर को दे देता हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग आज बताए आप सभी को कि किस प्रकार से अपने आधार कार्ड में पति का नाम जोड़ना। तो फ्रेंड अपना सेवा केंद्र चैनल में पहली बार आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपना सेवा केंद्र चैनल में ज्वाइन हो जाइए।